हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए हाल ही में जो बिहार का बजट पेश किया गया है उसको देख लेते हैं। ये जो 65th जो मेंस देने वाले हैं और साथ ही साथ जो 66th जो आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, दोनों के लिए ये बजट इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आप जो केंद्रीय बजट है, अभी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, केंद्रीय बजट को भी आप देख लीजिएगा। उस जो है बिहार बजट और जो केंद्रीय बजट, दोनों ही आपके एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रखते हैं। क्वेश्चन आपको इन्हीं बजट, केंद्रीय बजट और बिहार बजट से देखने को मिलेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको जो है सारे नोट्स के पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपको ये पता होगा कि जो बजट है, तो बजट का जो है प्रावधान कहीं भी जो है संविधान में नहीं, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में पेश किया जाता है। आपको ये पता होगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। जब मैंने आपको बजट की अवधारणा बताई थी, बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपको बजट का पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पूरे डिटेल में जो है आपको बजट को बताया था कि बजट क्यों लाया जाता है, किस लिए लाया जाता है, प्रोसेस क्या होता है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बता दी, जो बहुत से टर्म होते हैं जिनको बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, इनको समझ नहीं पाते हैं, तो उसको भी मैंने, जो बेसिक टर्म्स हैं जो बजट के, उनको भी मैंने बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और साथ ही साथ उसके नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिए और उसको रिविज़न करते जाइए। तो देखिए, जो बजट है, बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जो है पेश किया जाता है। आपको ये पता है, बजट को हम आम बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं, लेकिन संविधान में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ठीक है, जहाँ भी केंद्र सरकार जो है आपके आर्टिकल 112 के अंतर्गत जो है बजट पेश करती है, वहीं राज्य सरकार जो है आर्टिकल 202, आपको पता होगा आर्टिकल 202 के तहत जो है ये बजट जो है पेश करती है। देखिए, जो बजट है उसको राष्ट्रपति जो है संसद के पटल पे रखवाता है, और जो राज्य बजट है, राज्य सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, उसको जो है राज्यपाल जो है, जो विधानमंडल है उसकी पटल पे जो है रखवाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि केंद्र के लिए कौन सा है बजट में, तो 112, और राज्य के लिए है तो 202। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हम जो बिहार के वित्त मंत्री है सुशील कुमार मोदी जी द्वारा जो है ये बजट जो है 11वां बजट है। ठीक है, मतलब सुशील कुमार मोदी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, ये जो है आपका 11वां बजट है। जो कब प्रस्तुत किया गया है, तो 25 फरवरी 2020 को जो है ये प्रस्तुत किया गया है। बजट का आकार जो है, बजट कितना था, तो 2,11,761 करोड़, या इसको राउंड फिगर आप बोल सकते हैं 2.11 करोड़ जो है बजट पास किया गया है। ये जो है आपके 10 सालों में जो है बजट में 3.5 गुना की वृद्धि हुई है। 10 सालों में बजट में 3.5 गुना की वृद्धि हुई है। अब चलिए देख लेते हैं कि बजट में कौन कौन सी स्कीम क्या क्या कहा गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे आप मेंस ले रहे हो या प्रीलिम्स दे रहे हो, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा ग्रीन बजट। ठीक है, तो ग्रीन बजट जो है, बिहार जो है ऐसा राज्य बन गया है देश में जिसने जो है ग्रीन बजट पेश किया है। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा जो ग्रीन बजट पेश किया गया है, जिसमें क्या है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो गतिविधियां होंगी, ठीक है, मतलब एक तरह से पर्यावरण पे ध्यान दिया जाएगा ग्रीन बजट के माध्यम से। ठीक, तो उसकी गतिविधियों का विवरण होगा इसमें। और जो आपका जल जीवन, जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है स्कीम, जो जल जीवन हरियाली अभियान, ये जो है ग्रीन बजट का महत्वपूर्ण अंश है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वाधिक खर्च जो है किस क्षेत्र में किया गया, तो सर्वाधिक खर्च जो है आपके शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है, उसके बाद आपके सड़क में, फिर आपके जो ग्रामीण विकास है उसमें किया गया है, उसके बाद आपके पंचायती राज में जो है खर्च किए गए हैं बजट के अंतर्गत। तो ये चार सीक्वेंस आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कृषि विभाग के लिए क्या क्या लाया गया है प्रावधान बजट में। तो देखिए, यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो राज्य को जो गेहूं
और मोटे अनाज जैसे मक्का है, ठीक है, किस श्रेणी में 2 कृषि कर्मठ पुरस्कार दिए गए हैं, याद रखिएगा, गेहूं और मोटे अनाज श्रेणी में, ठीक है, गेहूं और मोटे अनाज श्रेणी में राज्य को 2 कृषि कर्मठ पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 51 लाख किसानों को लाभ हुआ है, 51 लाख किसानों को जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ हुआ है। साथ ही साथ नेक्स्ट देखते हैं कि मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत नए फसल प्रभेद, मौसम मतलब जिस तरह से मौसम होगा, ठीक है, उस तरह से कृषि कार्यक्रम चलाया जाएगा मौसम के अनुकूल, और उसमें नए नए फसल की वैरायटी और नई बुआई की विधियां या जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाएगा, और साथ ही साथ जो है जल संरक्षण को बढ़ावा देने के अतिरिक्त संरक्षित खेती की विधियों को अपनाया जाएगा, ठीक है, जल संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा इसमें, और तीनों फसल जो खरीफ है, रबी फसल है, तो जो तीन किस्म जो तीनों मौसम की जो फसलें होती है उसके उपयुक्त जो है फसल चक्र को क्या किया जाएगा अपनाने के लिए किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, कि आप जो है इस हिसाब से जो है एक फसल चक्र को अपनाइए, उसके लिए जो है किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो याद रखिएगा तीनों मौसमों में उपयुक्त फसल चक्र को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ड्रिप इरिगेशन तथा माइक्रो स्प्रिंकलर, जो ड्रिप इरिगेशन है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, इसके लिए जो राज्य सरकार जो है किसानों को 90% तक जो है अनुदान देगी, मतलब 90% तक सब्सिडी देगी ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए, ठीक। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट है जैविक खेती के लिए, जैविक खेती को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, जो जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार राज्य जैविक मिशन का गठन का प्रावधान किया, मतलब जो जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो बिहार राज्य है उन्होंने क्या किया है, जैविक मिशन का गठन किया है, जिसमें कि 12 जिले शामिल होंगे। 12 जिले कौन कौन से, जो आपके गंगा नदी है उसके तट पे जो 12 जिले बसे हुए हैं, ठीक है, उनको जो है जैविक खेती प्रोत्साहन या जैविक मिशन में जो है शामिल किया जाएगा, ठीक है। और जैविक प्रमाणीकरण के लिए बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी बसों का, याद रखिएगा अगर कभी प्रीलिम्स में या कहीं भी आपको देखने को मिल गया कि अगर पूछा गया कि बसों का क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है, बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, जैविक प्रमाणीकरण के लिए बिहार राज्य बीज और जैविक प्रमाणन एजेंसी द्वारा निशुल्क किया जाएगा, मतलब कि जैसे कि चेक, जैसे कोई जैविक खेती कर रहा है तो उसको चेक मतलब जांच किया जाता है कि ये जो खाद लाया गया है वो ऑर्गेनिक है या नहीं, ठीक है। तो इसी के लिए बसों का द्वारा जो है ये जो प्रमाणन दिया जाएगा कि हाँ ये जो किसान आए हैं जो अपना जैविक खेती करना चाहते हैं, तो जो जैविक खेती किया जा रहा है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक खेती है, तो इसका जो जांच है वो निशुल्क किया जाएगा और उनको प्रमाणन भी या प्रमाण पत्र भी उनको निशुल्क दिया जाएगा, ये है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है कि खेत में जो है जल संचय योजना, अब ये क्या है कि जैसे खेत है तो खेत में जो है छोटे छोटे गड्ढे खोदकर एक छोटी तरह से ये समझ लिए एक छोटा सा तालाब बनाकर वहां पे जल संचय किया जाएगा, ये है जो है खेत में जल संचय योजना। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबोर जो आपके भागलपुर में है, ठीक है, तो इसको जो है 18वां स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है किसको, कृषि विश्वविद्यालय साबोर को राष्ट्रीय रैंकिंग में। नेक्स्ट है कि प्रतिभा सम्मान योजना, अब ये क्या है, तो राज्य के कृषि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शोध को प्रोत्साहित, मतलब जो कृषि के लिए जो रिसर्च होते हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये स्कीम जो है चलाई जा रही है राज्य के सारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उसमें, कौन सी, प्रतिभा सम्मान योजना। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ग्रामीण विकास से संबंधित, अब ग्रामीण विकास से संबंधित कौन कौन सी स्कीम लाई गई है,
ये जो पुरानी स्कीम है उसी को चलाया जा रहा है। एक तो है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब गांवों को जो है गांव के सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, एक केंद्र लेवल पे चलाया जा रहा है। दूसरा आपका मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, ये जो है ये भी वही है कि आपके गाँव के सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा और ये जो है राज्य लेवल पे चलाई जा रही योजना है। साथ ही साथ एक स्कीम और चलाई जा रही है ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, मतलब कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं, गांव के अंदर भी जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनको भी जो है उनके लिए भी जो है उनके सड़कों का विकास करना है और सड़कों को जो है मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए ये स्कीम ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना जो है राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ऊर्जा विभाग में देख लेते हैं, ऊर्जा विभाग में भी जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है ये चलाया जा रहा है, इसको भी आगे कंटिन्यू किया गया है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना क्या था कि हर गांव में जो है गांव में ठीक है सारे गांव को विद्युतीकृत करना। और आप एक और स्कीम है सौभाग्य की स्कीम, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना, सौभाग्य की स्कीम के अंतर्गत है कि सारे हर घर को जो है विद्युतीकृत, गांव के हर घर को विद्युतीकृत करना था और जो दीन दयाल है उसमें गांव को हर गांव को जो है विद्युतीकृत करना था। तो इसको आपको याद रखना है कि सौभाग्य योजना के हर घर में बिजली पहुंचाना है और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में हर गांव में जो है बिजली होनी चाहिए, ये था ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्या क्या किया गया है। तो इसमें सिर्फ एक स्कीम आपको याद रखनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्नयन योजना। उन्नयन योजना जो है 5 सितंबर 2019 से जो है चलाई जा रही है और ये जो 9th और 10th के लिए जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं क्लास वाले ठीक है, उनको जो है ई कंटेंट के माध्यम से अध्यापन, मतलब टेलीविजन लाया जाएगा, स्पीकर्स लाया जाएगा, तो ई कंटेंट के माध्यम से जो है 9th और 10th में सभी विषयों को क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और इसके इसका जो आरंभ है वो बांका जिले से हुआ है। अब इसको क्या किया गया, इसमें बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हुई है, इसलिए जो है इसको हर जिले में जो है उन्नयन योजना को चलाया जाएगा आगे, ये था। क्लियर है ये, तो इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अन्य कुछ चीजें देख लेते हैं। तो अन्य देखिए बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना, इसके अंतर्गत पहले चरण में 5 जिलों को लिया जाए, बस इसमें आप कुछ याद नहीं रखना, बस याद रखिएगा कि 5 जिले इसमें शामिल किए गए हैं पहले चरण में। तो कौन कौन से हैं, तो पटना है, नालंदा है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय। फिर नेक्स्ट चरण होगा उसमें फिर 5 जिले लिए जाएंगे, तो आपको पहले 5 जिले को याद रखना है कि बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन योजना के अंतर्गत ये 5 जिले शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत जो है डुमराव, जो बक्सर में डुमराव में प्रजनन प्रक्षेत्र, मतलब इसको गोकुल ग्राम भी कहा गया है, वहां जो है स्थापना की जाएगी प्रजनन प्रक्षेत्र की, जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत प्रजनन प्रक्षेत्र की डुमराव बक्सर में जो है स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं राज्य में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि राज्य में जो है प्रति व्यक्ति जो है 254 ग्राम प्रति दिन जो है इसकी उपलब्धता है, मतलब एक व्यक्ति जो है एक दिन में 254 ग्राम दूध यूज कर लेता है। और दूध के इसमें जो है राज्य में कौन सा जिला टॉप पे है, तो पटना ठीक है। इनलैंड मछली के उत्पादन में बिहार का 4th स्थान है, इसको आपको याद रखना है। इसके लिए जो है बायोफ्लॉक तकनीक का यूज किया जा रहा है। अगर कभी पूछा जाता है कि बायोफ्लॉक तकनीक क्या है, तो इसको आपको बता रहे हैं कि सीमित जगह एवं कम जल में अधिक मछली उत्पादन करना, मतलब छोटी जगह में कम जल में जो है ज्यादा से ज्यादा मछली का उत्पादन करना, ये है आपका बायोफ्लॉक तकनीक। कृषि वानिकी योजना, कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत जो है किसानों को या जो भी जो है जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, मान लो जैसे कि हम हैं, अगर हम आप किसी बाग में या अपने घर के बगीचे में कहीं भी अगर हम जो है पेड़ पौधे अगर लगा रहे हैं ठीक है, तो हर 3 साल में उसका सर्वे किया जाएगा और जितने पेड़ पौधे जो है जीवित होंगे ठीक है उसके लिए जो है गवर्नमेंट 60 रुपए प्रति जीवित पौधे
देगी किसानों को या जो भी पौधे लगा रहे हैं उनको कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत। ये आपको समझ आया? कृषि वानिकी योजना 60 रुपए प्रति जीवित पौधे गवर्नमेंट देगी, और ये हर 3 साल में इसका सर्वे होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना, अब ये निजी पौधशाला योजना क्या है? तो देखिए, अगर हम कोई निजी जगह, ठीक है, जो प्राइवेट शॉप है, दुकानें हैं, ठीक है, अगर वहाँ से कोई हम पौधा लेते हैं तो वो हमें फ्री में मिल जाएगा, और उसका पैसा जो है गवर्नमेंट उसको देगी जहाँ से हमने वो पौधा लिया है। ये है आपका मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना। नेक्स्ट है कि राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण कराया जा रहा है, मतलब निर्माण कराया जाएगा, इसको आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्या है कि राजगीर में नेचर सफारी। नेक्स्ट है भागलपुर के सुंदर वन में गरुड़ व कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखेगा, भागलपुर में के सुंदर वन में, ठीक है। अगर कभी कभी भागलपुर नहीं दिया, सुंदरवन दे दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो भागलपुर के सुंदरवन में गरुड़ और कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। राज्य में जो आर्द्र भूमि, जो वेटलैंड है, उनके संरक्षण को बढ़ाए जाने हेतु राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। राजगीर में, राजगीर जो कहाँ है आपके, नालंदा में है, वहां जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शाह खेल अकादमी जो है बनाई जा रही है, कहाँ, राजगीर नालंदा में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम शाह खेल अकादमी। बोध गया में जो है, ये सारी चीजें बजट में दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, तो आपको याद रखना है। बोध गया में जो है महाबोधि संस्कृति केंद्र जो है बनाया जाएगा या जा रहा है। पटना में जो है प्रकाश पुंज भवन बनाया जा चुका है, पटना में है, अगर आपको पूछा जाता है प्रकाश पुंज भवन कहाँ है तो बताना है पटना में। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनाया जा रहा है, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय पटना में है आपके, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी जो है खोला जाएगा, तो इस चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, दरभंगा में तारामंडल बनाया जा रहा है, इसको भी आपको याद रखना है, जो आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है, कृत्रिम रूप से तारामंडल जो है दरभंगा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, इम्पोर्टेंट हो सकते क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो राजकोषीय घाटा है, जो आपके बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है, तो 2.97%, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही है, ठीक है। GSDP का 2.97% जो है आपका राजकोषीय घाटा है। ये जो है कुल राजस्व, कुल व्यय, ये सारी चीजें आप मेंस में जब आंसर राइटिंग करें तो ये डाटा डाल सकते हैं, ताकि आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव हो। तो कुल राजस्व है आपका 183,923, ठीक है। तो इसको आप जो है सारा देख लीजिएगा, 164,751 राजस्व, ये है राज्य का राजस्व है ये, तो इस सबको आपको पढ़ लीजिएगा, और अपने जो है मेंस के आंसर राइटिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। रुपया कहाँ, मतलब पैसे जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जो है सबसे ज्यादा रुपया जो है गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को, केंद्रीय करों में राज्यों का अंश जो है वो है सबसे ज्यादा 43.02%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है आपको कितना प्राप्त हो रहा है, तो 24.89%, यहाँ से भी जो है राज्य सरकार को पैसे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है राज्य सरकार के कर राजस्व कितना है, तो 16.39%। इस तरह से जो है ये आपको याद नहीं रखना है, यहाँ से आपको याद रखना है कि कहाँ से सबसे ज्यादा जो है राज्य सरकार को पैसे मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपका लोक ऋण से
फिर उसके बाद राज्य का जो कर भिन्न राजस्व है, फिर उसके बाद है ऋणों की वसूली। ठीक है, तो ये है आपका जो राज्य सरकार को जहां से रुपए प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि रुपए सबसे ज्यादा खर्च कहाँ करती है राज्य सरकार, तो जो है आपके सामाजिक सेवाएं है उसमें जो है सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं गौर राज्य सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद जो सामान्य सेवाएं हैं, फिर आर्थिक सेवाएं हैं, लोक ऋण है, फिर आपका ऋण और पेशगियां, फिर उसके बाद सहायता अनुदान और अंशदान। तो यहाँ जो है आपके सबसे ज्यादा जो है राज्य सरकार जो है खर्च करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है पटना सॉरी बिहार में कितनी है, तो आपकी 47,541 जो है आपकी प्रति व्यक्ति आय है, जिसमें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला जो है आपका पटना है जिसमें 63,063 है। फिर आपके मुंगेर आते हैं जिसमें 22,051 है। उसके बाद न्यूनतम अगर पूछा जाता है, न्यूनतम जो है आपके शिवहर है। ठीक है, तो शिवहर में कितनी है, तो 7,092 रुपए जो है प्रति व्यक्ति आय है। तो ये रहा आपका बिहार बजट। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।